हेलो गाइस, प्रदीप हेयर फ्रॉम लॉजिकल दोस्त डॉट इन। सो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। देखो, अकाउंट को डिलीट करने के प्रोसेस को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करने में और डिलीट करने में मेजर डिफरेंस क्या है। ये दोनों अलग अलग टर्म है, इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करना और इंस्टाग्राम को परमानेंटली डिलीट करना। तो देखो, जो इंस्टाग्राम अकाउंट को जब हम डीएक्टिवेट करते हैं तो उसे हम वापस से रिकवर कर सकते हैं। आपका जो जितना भी कंटेंट है वो हाइड हो जाएगा, आपकी चैट्स हाइड हो जाएगी, वहाँ पर इंस्टाग्राम यूजर करके लिखा हुआ आएगा और आपका जो कंटेंट है वो भी नहीं दिखेगा, आपकी प्रोफाइल भी सर्च में नहीं आएगी अगर कोई यूजर सर्च करता है तो, और आपका जो नाम है और आपका जो यूज़र नेम है वो भी शो नहीं करेगा वहाँ पर। लेकिन जब चाहे आप उसे रिकवर कर सकते, अपना जो यूज़र नेम है और पासवर्ड डाल के जस्ट लॉगिन करना, आपका अकाउंट वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगा जो आपने पहले उससे छोड़ा था। लेकिन जब अकाउंट को डिलीट करते हो तो वो अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाता है इंस्टाग्राम के सर्वर पर से, और उसे आप वापस कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। तो यही जो मेजर डिफरेंस है वो है डिलीट करने में और डीएक्टिवेट करने में। इसलिए आप जब भी अकाउंट को डिलीट कर रहे हो तो ये पहले सोच लो कि क्या ये इस अकाउंट की आपको फ्यूचर में नीड रहेगी या फिर आपको इसे वापस से रिकवर करना है। क्योंकि अगर आप करना चाहोगे तो आप डिलीट करने पर वापस से उसे रिकवर नहीं कर पाओगे। और डीएक्टिवेट करना भी बहुत ईजी है। आप अगर कुछ टाइम के लिए अगर अकाउंट को बंद करना चाहते हो तो जस्ट उसे आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। इसके बारे में भी हमारी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। सो ऊपर जो आई बटन है उसके अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो अभी देखते हैं ट्यूटोरियल कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। देखो, इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना या फिर अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना ऐप के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र में लॉगिन करना पड़ेगा अपने अकाउंट को, और वहीं से आप इसे डिलीट कर सकते हो। या फिर अगर आप ऐप से करते हो तो उसमें आपको हेल्प सेंटर में और कई तरह के ऑप्शंस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसलिए मैंने आपको इजी हो जाए इसके लिए मैंने आपको नीचे लिंक दिया, जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो किसी ब्राउज़र में ही ओपन होगी। वहाँ पे आपको जस्ट लॉगिन करना है और उसके बाद में आप सीधे वहीं पे पहुँच जाओगे, जिस तरीके से अभी मैंने आपको दिखा रखा है। अभी जस्ट मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, उसके बाद आपको सीधा वहीं पर दिखा दूँगा क्या आगे का प्रोसेस रहेगा। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट पर लॉगिन करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाओगे, इसके जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाई डू यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, जिसमें यूजर नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो भी बताना है कि टू मनी एड्स, टू वीजी, टू डिस्ट्रक्टिंग, या फिर जो भी आपको लगे वो कर दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ टू वीजी या फिर टू डिस्ट्रक्टिंग। इसके अलावा यहाँ पे तो आपको दोबारा से अपना जो पासवर्ड है वो डालना है और इसमें फिर डिलीट लॉजिकल इसके ऊपर कर देना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको पासवर्ड डाल के और बता देता हूँ, क्योंकि ये वैसे भी हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा तो आपके सामने ही मैं पासवर्ड इसका डाल रहा हूँ। और डिलीट, ये जो डिलीट दोस्त लॉजिकल है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। दोबारा से ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, देन हमें ओके पर क्लिक कर देना है। अभी जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया है कि योर अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन जनवरी 21, 2021। मतलब ये बोल रहा है कि इफ़ यू चेंज योर माइंड, लॉग बैक इन बिफोर देन एंड चूज़ टू कीप योर अकाउंट। मतलब आपको इंस्टाग्राम 30 दिनों का टाइम दे रहा है, आप अपने जो अकाउंट है उसको वापस से एक्टिवेट कर सकते हो। इसमें अभी जो नया चेंजेस हुआ है इंस्टाग्राम की पॉलिसी में, इसमें आपको 30 दिन का टाइम दे। आई होप आपको वीडियो में बताई गई सभी बातें इजीली समझ में आई, और अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो या फीडबैक हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मैंने जो आपको जो ट्यूटोरियल बताया उसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ पर आप यहाँ पर आ जाओगे logicaldost.in वेबसाइट पर, और यहाँ पर उस अकाउंट डिलीट करने की जो डायरेक्ट लिंक भी दी गई है जो कि ये है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।